वेलकम टू द अनदर लेक्चर फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डीएनए स्पेसिफिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हेलो दिस इज़ डॉक्टर राधिका और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए मींस ए न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियोज़ में हमने न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डी और डी में बनने वाले जो यूनिट्स होते हैं जिनसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है आर एन का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का हमने स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का एक डिटेल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था अब आज हम आज का वीडियो जो है वो सिंपली कन्फाइंड है टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डी एन का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था आ, किस तरीके से देखा गया था और किस ईयर में Uh, जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है या स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब किया गया ये सारी चीजें और उनकी डिटेल्स स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले तो लेट स्टार्ट सो so, uh, जैसा कि नाम है डी uh, तो डी एन ए इज एक्चुअली अ वर्ड दैट मीन्स डी इज फॉर डी ऑक्सी ओके डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सीराइबो एंड एन इज़ फॉर न्यूक्लिक एंड ए इज़ फॉर एसिड यानी कि ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसकी राइबो शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन ऐटम जो है वो एबसेंट होता है ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ ली थी सो अब उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहली बार डी का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के थ्रू देखा गया था ठीक है सो द फर्स्ट टाइम द डी एन ए डबल हेलिक्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय, विद द हेल्प ऑफ एक्स डिफ्रैक्शन डेटा किन्ों ने जो है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डेटा को uh, जो है डीएनए को डिस्क्राइब uh, किया था इसके स्ट्रक्चर को सो एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डी एन ए डबल हेलिक्स देखा गया और किस ईयर में इट वॉज डिस्क्राइब इन नाइनटीन फिफ्टी में विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डी एन ए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है डिस्क्राइब किया गया एंड इट वॉज डिस्क्राइब बाय टू साइंटिस्ट एंड द नेम वॉज वॉटसन And Crick. These two scientists describe the structure of double helix DNA. Okay? So that's why the DNA uh, model, also known as a Watson and Crick model. Okay? सो so, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डीएनए का इसको आइडेंटिफाई किया इसको डिस्क्राइब uh, किया गया है एंड दे गॉट अ नोबल प्राइज इन 1962 ओके सो दीज टू साइंटिस्ट अलोंग विद द विल्किंस द अनदर साइंटिस्ट नेम विल्किंस आल्सो गेट अवॉर्ड विद द नोबल प्राइज एज ही गेव द डेटा ऑफ डी एन ए स्ट्रक्चर बाई यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन बट डिस्क्राइब्ड ओनली बाय वॉटसन एंड क्रिक तो डी एन ए का स्ट्रक्चर जो डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया है इन नाइनटीन फिफ्टी थ्री और जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो था डी एन ए का वो, वो किन्ों ने दिया था वो विल्किंस ने दिया था हालांकि साथ में यहाँ पर फ्रेंकलिन एंड विल्किंस दोनों ही थे जिन्होंने ये डेटा दिया था पर वाई फ्रेंकलिन नॉट गेव गेट द नोबल प्राइज़ क्योंकि जब भी नोबल प्राइज मिलता है तो वो किसी लिविंग कैंडिडेट को मिलता है जैसा कि फ्रैंकलिन जो है एट द टाइम ऑफ नोबल प्राइज़ अवार्ड उस समय वो ही वॉज नॉट अलाइव दैट्स वाई फ्रैंकलिन डिड नॉट रिसीव्ड एनी नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क सो वॉटसन एंड क्रिक के साथ में विल्किस थे जिनने नोबल प्राइज जो है शेयर किया था इन 1962. ओके सो वाटसन क्रिक जो मॉडल है वो एक तरीके का टाइप ऑफ डीएनए मॉडल है जिसे हम कहते हैं बी टाइप ऑफ डीएनए. What stand for स्टैंड फॉर अ बी टाइप ऑफ डी और बी फॉर्म ऑफ डी एन ए बी स्टैंड फॉर अ बायोलॉजिकल एन ए सो so, हमारे अंदर जो भी डी एन ए प्रेजेंट होता है द टाइप ऑफ डी एन ए वी कैरीज इज़ अ बी टाइप ऑफ डी एन एके सो वैसे बी टाइप के अलावा और भी कई टाइप्स के डी एन ए होते हैं लाइक बेसिकली वी हैव बी टाइप ऑफ डी एन ए जिसे हम कहते हैं बी डी एन ए इसके अलावा भी डी एन ए होते हैं टाइप्स ऑफ डी एन ए लाइक ए डी एन ए सी डी एन एंड डी डी एन सॉरी It is Z-DNA. So, these are some of the different forms of DNA. But today we are only considering the basic type of DNA molecule that is known as BDNA, means biological DNA. Okay. So, let's start. Here you कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम ये एक मेटाफेजिक क्रोमोजोम है हम जो मेटाफेज में जो क्रोमोजोम देखते हैं ये वो स्ट्रक्चर है इसे आप देख रहे हैं जैसा कि हमने क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन या आप कह सकते हैं जो क्रोमोजोम पैकिंग है वो हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी सो उस तक मैं नहीं जा रही हूँ ये आप उस वीडियो में आप पिछले वीडियोस में जहाँ पे हमने क्रोमेटिन कंडेंसेशन की बात की थी वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएनए जो है वो पैक्ड हो जाता है इनटू अ क्रोमोजोम जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है so, सो हम सिर्फ आज के वीडियो में कंसंट्रेट कर रहे हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ डी तो डी का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से आपको हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आता है हेलिकल स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से दो आप देख सकते हैं दो आपको ये सॉरी वी कैन से दैट इट इज अ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड्स क्या है ये टू पॉली न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड चेन्स और वी कैन से दैट ए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ओके पॉली न्यूक्लियोटाइड हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ही था लास्ट लेक्चर में देखा था कि डीएनए को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है ठीक है अब ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट है ये चेन फॉर्म में है तो आपको ये जो दो चेन नजर आ रही हैं, ये चेन जो है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है ओके अब ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड का जो हेलिक्स है या आप कह सकते हैं ये स्ट्रैंड की जो कॉइलिंग है वो कैसी होती है वो होती है राइट हैंडेड सो द बी टाइप ऑफ डीएनए इज हैविंग अ राइट हैंडेड हेलिक्स अक्सर क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर आता है कि जो हैलिक्स है वो राइट हैंडेड रैपिंग होती है या इसकी लेफ्ट हैंडेड रैपिंग होती है सो इट इज राइट हैंडेड हैलिक्स ओके देन स्ट्रैंड्स जो है एंटी पैरेलल रन करते हैं एंटी पैरेलल कैसे रन करते हैं लाइक like, अगर आप यहां देखते हैं कि यहां पे ये जो स्ट्रैंड है ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम रन कर रहा है और जस्ट जो उसका यहाँ पे जो पैरल आप देख रहे हैं वो एंटी पोजिशन में एंटी पोजिशन मीन्स यहाँ पे ये थ्री प्राइम पोजिशन दिखा रहा है सो हेयर वी हैव अ फाइव प्राइम पोजिशन और जस्ट उसके सामने जो पैरल स्ट्रैंड है वी कैन कॉल इट एंटी पैरल क्योंकि यहाँ पे फाइव प्राइम पोजिशन पे ही नहीं ये थ्री प्राइम पोजिशन पे रन कर रहा है सो दीज टू स्ट्रैंड्स आर एंटी ओके सो वी कैन कॉल इट द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ओके सो स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ओके, यानी कि अगर एक स्ट्रैंड को हम देखते हैं तो उसका ओरिएंटेशन आप देखेंगे इस तरीके से एक सिंपल तो यहाँ से फाइव प्राइम से रन कर रहा है ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम की रनिंग है अब जब हम दूसरे स्ट्रैंड को देखते हैं वो दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से रन कर रहा है तो ये एंटी पैरेलल रनिंग कर रहा है मीन्स यहाँ पे ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम की रनिंग है सो दीज टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल ओके देन अब ये स्ट्रैंड्स जो हैं ये आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पर किसके बीच में ये यहाँ पे आप इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं दीज आर बेसिस व्हाट बेसिस दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो रही है यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रहे हैं थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ये हम क्लियरली किस तरीके से यहां पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर को देखिए yes. यस पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है ये आपस में पेयरिंग कर रहे हैं ओके okay. सो so ये स्ट्रक्चर देखिए यहां पे आपको ब्लू लाइन से शो हो रहा है ये आपस में क्या कर रहे हैं ये दोनों बेस पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो फिर आपको बेस पेयर्स नजर आ रहे हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेस पेयरिंग कर रहे हैं ओके तो ये दो स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पेयर्स के बीच में हो रही है उसके थ्रू ये कनेक्टेड हैं आपस में ठीक है अब यहाँ पे सबसे मेन चीज देखने वाली ये है कि आप यहां देखिए कि फर्स्ट जो आप एडेनिन और थाइमिन ठीक है एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं यहां पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो दो हैं पर अगर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अगर हम देखते हैं तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्री दिखती है वन टू एंड थ्री एंड हेयर इन बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन ये आपको दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है ओके okay? सो so, दोनों एंटीपेनल स्ट्रैंड किसके थ्रू कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में है दो कॉम्प्लीमेंट्री बेसपेयर्स के बीच में और एडिनिन और थाइमिन के बीच में आपको दो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं इज इट क्लियर ओके देन इसके बाद में आप देखते हैं कि यहां पे जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में आपको दो अनिक्वल ग्रूव नजर आते हैं अनिक्वल ग्रूव जैसे एक ग्रूव आपको ये यह यहां पे दिख रहा है और एक ग्रूव आपको ये दिख रहा है ठीक है तो ये ग्रूव जो है थोड़ा सा साइज में बड़ा है और ये ग्रूव आपको छोटा दिख रहा है दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ माइनर ग्रूव और इसे हम कहेंगे मेजर ग्रूव ठीक है तो ये मेजर और माइनर ग्रूव जो है ये किस बेसिस पे कहा जाता है तो इसका बेस सिर्फ यही है कि एन थ्री प्यूरिन का जो एन थर्ड पोजीशन है थर्ड पोजीशन पे जो आपका नाइट्रोजन है उस साइड में आपको जो है मेजर ग्रूव मिलता है और जो प्यूरिन का एन सेवन पोजिशन है उस साइड में आपको मेजर ग्रूव मिलता है एन थर्ड के साथ में माइनर एंड एन सेवन के साइड में मेजर ग्रूव सो बेसिकली देखा जाए तो आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे डी एन ए स्ट्रैंड में दो डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं मेजर एंड माइनर टाइप ऑफ ग्रूव ओके देन उसके बाद में एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसका डायमीटर अप्रोक्स कितना होता है द डायमीटर इज अप्रोक्स ट्वेंटी एम इतना डायमीटर होता है एक बी टाइप ऑफ डीएनए का ओके okay? देन उसके बाद में ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जब थ्री सिक्सटी डिग्री का टर्न लेता है इस तरीके से अगर वो थ्री सिक्सटी डिग्री का टर्न लेता है तो इसकी जो हाइट होती है थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न लेने पे उसे हम कहते हैं हेलिकल पिच और इस हेलिकल पिच में जो हाइट है वो होगी गई थर्टी थ्री पॉइंट टू एमस्ट्रॉग ठीक है देन दो बेस पेयर के बीच की जो हाइट है इफ वी कैन सी अ हाइट बिटवीन टू बेस पेयर यहाँ पे आपको दो बेस पेयर नजर आ रहे हैं जो एक ये एर्डेनिन है और यहाँ पे ये आपको ग्वानिन ये दो न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं ठीक है तो इन दोनों के बीच का जो हाइट है डीएनए का दैट इज नोन एज ए राइज इसे हम क्या कहते हैं एक्सियल राइज और ये एक्सियल राइज जो है ये कितना होता है ये होता है थ्री पॉइंट थ्री टू आसान है जस्ट आपको हेलिकल पिच में थर्टी थ्री पॉइंट टू क्योंकि हेलिकल पिच 360 डिग्री टर्न लेने के बाद ने बन रहा है और एक्ज राइज जो है वो सिर्फ आपको दो बेस पेयर के बीच में मिल रही है तो इसको आपने क्या करना है सिर्फ 3.32 और ये पॉइंट अगर आप बैक कर देंगे तो 33.2 जो है वो हेलिक्स पिच हो जाएगा और 3.32 पॉइंट जो है वो एक्ज राइज हो जाएगा ओके इतनी चीजें क्लियर हैं उसके बाद में एक हेलिक्स हालिक, पिक्च में यानी कि पूरे एक हेलिकल हालिक, टर्न में आपको कितने बेस पेयर्स मिलते हैं तो पूरे एक हेलिकल टर्न में एक बी टाइप ऑफ डीएनए जो है वो क्या कैरी करता है वो करता है टेन पॉइंट फोर अप्रॉक्स टेन पॉइंट फोर बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न तो पूरे एक 360 डिग्री राउंड लगाने के बाद में जो हाइट होगी वो होगी 32.2 टू और इतनी के बीच में आपके कितने बेस पेयर आ रहे हैं बेस पेयर आ रहे हैं अप्रॉक्स 10.4 बेस पेयर्स ओके okay? अब ये बेस बेसपेयर जो है आपस में स्टैग्ड हैं स्टैग्ड कंडीशन में इस डीएनए को अगर हम देखते हैं तो ये मोरलेस आप देखेंगे कि एक लैडर की जैसे नजर आता है इस तरीके से लेडर के जैसे नजर आता है और ये लेडर के ये जो दो हिस्से नजर आ रहे हैं ये दोनों जो हैं ये एक तरीके से आपको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के जैसे लग रही हैं ठीक है ठीके? जो इस तरीके से इनका मूवमेंट है और बीच में जो बेस पेयर्स हैं वो बेस पेयर्स आपको यहां पे जैसे लेडर के बीच में जो टैक्स लगे हुए होते हैं उसके जैसे ये आपको बेस पेयर्स लगे हुए मिल रहे हैं सो दीज आर तो एक तरीके से लैडर लाइक स्ट्रक्चर है द डिफरेंस इज ओनली दैट कि लैडर जो है स्ट्रेट होती है ये जैसे कि आपको स्ट्रेट लैडर लैडर नजर आ रही है पर डीएनए जो है डीएनए में आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये आपको राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में मिलता है यानी कि यहाँ पे इसमें हेलिक्स में टर्न्स हैं द डिफरेंस इज दैट ओके इसके बाद में इतना हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ लीं कि जो एक क्रोमोजोम है उसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ डीएनए एन ए दैट इज़ अ बी टाइप ऑफ डीएनए एन और बी टाइप ऑफ डीएनए में जो स्ट्रक्चर है वो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है और ये जो चेन्स होती हैं ये राइट हैंडेड हेलिक्स में इनका टर्न होता है स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल रन कर रहा होता है यानी कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम लाइक दैट फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस साइड में देख रहे हैं और फिर एंटी पैरेलल चलेगा तो फिर फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम चल रहा है ये पूरे डीएनए में जब भी ये टर्न थ्री सिक्सटी डिग्री का टर्न लेगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब डीएनए जो है थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न ले लेगा तो उसे हम कहेंगे एक हेलिक्स पिच और इस हेलिक्स हैलिक्स पिच का जो आ, हाइट है दैट इज अ थर्टी थ्री पॉइंट टू एम विथ टेन पॉइंट फोर बेस पेयर्स पर हैलिकल टर्न और इन दोनों बेसिस के बीच में आपको जो हाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है जो एक्सियल राइज मिल रहा है वो है थ्री पॉइंट थर्टी टू एम स्ट्रोंग ओके इतनी चीज़ें क्लियर हो गई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अ डायमीटर एंड डायमीटर इज़ अप्रॉक्स ट्वेंटी एम स्ट्रॉन्ग ऑफ अ बायोलॉजिकल टाइप ऑफ डी एन ए और आपने यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी देख ली है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देखते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही होती है अब यहाँ पे बहुत ही डिटेल में स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल स्ट्रक्चर में आप देखिए डिटेल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे इसका जो एटॉमिक लेवल पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये जो लेडर लाइक -like आपको एंटी एंटीपैले स्टैंड दिख रहे हैं तो ये एंटी एंटीपेलस स्टैंड किससे मिलके बने हुए हैं ये बने हुए हैं शुगर एंड फॉस्फेट से यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें दिख रही हैं तो ये दिख रहा है आपको फॉस्फेट और ये दिख रही है आपको शुगर और शुगर कौन सी है इट इज़ अ डीऑक्सी राइबोस शुगर और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉस्फेट तो फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट और शुगर इससे मिलके आपकी पूरी ये जो लेडर की जो चेन है ये जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड पूरा आपको किससे मिलके बना हुआ है शुगर से जो कि राइबो शुगर है और फॉस्फेट के साथ में ठीक है अब ये जो चेन है ये चेन आपको दो इस तरीके से बेस पेयर्स जो हैं, उसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो बेस पेयर्स हैं, वो इस तरीके से स्टैक लाइक बीच में प्रेजेंट हैं। तो स्टैकिंग के जैसे बेस पेयर्स जो हैं, आपको लेडर के बीच में नजर आते हैं ओके देन उसके बाद में अब अगर ये स्टैकिंग को हम देखते हैं कि किस तरीके से इनकी पोजीशन जो है वो उसका अटैचमेंट हो रहा है तो डिटेलिंग अभी देखते हैं यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से एडनिन जो है थाइमिन के साथ में बेस पेयरिंग कर रहा है तो पहले यहाँ पे नंबरिंग अगर हम देखें <coughs> नंबरिंग में आप देखिए कि ये एडनिन है ये एक बेस पेयर है एडनिन तो एडेनिन और थायमिन की जो पेयरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है एडेनिन जो है हम कह रहे हैं सिक्स अमाइनो प्यूरिन तो सिक्स पोजीशन पे जो ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 टू ये लिंक कर रहा है आपका थाइमिन की जो पोजीशन है उसमें ठीक है तो थाइमिन की कौन सी पोजीशन है यहां ये ऑक्सी वाली पोजीशन है इसके साथ में बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन की देन आडेन का आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ठीक है दिस इज क्रिएटिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन एन एच पोजिशन तो इस तरीके से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं देन ग्वानिन में आप देखिए ग्वानिन में यहाँ पे देखते हैं तो सेकेंड पोजिशन पे आपको यहाँ पे अमाइनो ग्रुप दिख रहा है उसकी पेयरिंग यहाँ पे साइटोसिन के ऑक्सी तो ग्रुप के साथ में सेकेंड पोजिशन के ऑक्सी ग्रुप के साथ में हो रही है देन ग्वानिन का यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है साइटोसिन के नाइट्रोजन एटम यहाँ है उसके साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ठीक है देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको ऑक्सी ग्रुप मिल रहा है ग्वानिन का तो सिक्स पोजिशन का ठीक है और यहाँ पे आपको जो साइटोसिन में आपको अमाइनो ग्रुप दिख रहा है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वी हैव थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड विथ गुआन एंड साइटोसिन एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ एडेनिन एंड थाइमिन ओके सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल टाइप ऑफ डीएनए मीन्स बी टाइप ऑफ डीएनए अब इस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ हेलिक्स सेंस प्रेजेंट इन बी टाइप ऑफ डीएनए यानी कि किस तरीके का हेलिक्स सेंस जो है वो बी टाइप ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होता है अभी डिस्कस किया था हमने हेलिक्स सेंस जो है वो राइट right हैंडेड होता है सो so, राइट हैंडेड टाइप ऑफ हेल्थेंसेज प्रेजेंट इन बी टाइप ऑफ डीएनए ओके देन बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि बेस पेयर जो हैं आपस में किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं अभी हमने यहाँ पे देखा है कि बेस पेयर्स जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बट अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है और अगर ये इसे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड में भी किस तरीके का बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है नॉन कोवलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट डी एन एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स यानी कि डी एन जेनेटिक मटेरियल के जैसे किस सेल्स में प्रेजेंट होता है तो ये मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो डी जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स में एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है देन इन विच ईयर थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए वॉज इंट्रोड्यूस यानी कि जो ये वाट्स एंड क्रिक मॉडल था वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ईयर नाइनटीन फिफ्टी थ्री द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए वॉज डिस्क्राइब बाय वाट्सन एंड क्रिक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है हु डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए सो वाट्सन एंड क्रिक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए सो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है कि क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ वाटसन एंड क्रिक ने दिया था हमने जैसे यहाँ पर डिस्कस किया था कि कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने डी एन ए के स्ट्रक्चर पर काम किया था वाटसन एंड क्रिक ने उसे डिस्क्राइब किया था विल्किंस जो थे उन्होंने एक्से डिफ्रेक्शन डेटा दिया था साथ में एक और अनदर साइंटिस्ट थे फ्रेंकली जिन्होंने साथ में एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा निकाला था बट एट द टाइम ऑफ गेटिंग नोबल प्राइज़ ही वॉज नॉट अ लाइफ सो ही डेंट रिसीव द नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन सिक्सटी टू सो वॉटसन क्रिक के साथ में विल्किस ने शेयर किया था नोबल प्राइज़ जो है उन्हें दिया गया था फॉर डिस्क्राइब फॉर गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए इन नाइनटीन सिक्सटी टू तो ये आपसे पूछा जा सकता है इन विच ईयर दे गॉट द नोबल प्राइज़ फॉर देयर वर्क एंड वाटसन एंड क्रिक के साथ में कौन सा कौन से साइंटिस्ट थे और कौन से जो साइंटिस्ट थे वो नहीं थे जिन्हों जिन्हें नोबल प्राइज नहीं रिसीव हुआ ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली है। ये आपको मालूम होनी चाहिए फिर उसके बाद में विच नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए डीएनए में आपको चार तरीके के न्यूक्लोटाइड बेसिस मिलते हैं लाइक एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमीन तो कौनस अब चार तरीके के बेसिस हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो डीएनए में नहीं होता है सो वी यूरोसिल यूरोसिल जो है डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन आरएनए और एमआरएनए ओके इन प्लेस ऑफ थाइमी थाइमिन की जगह पे यहां पे यूरोसिल प्रेजेंट होता है ओके देन सो यूरोसिल will be the answer the the name the type of bonding present in between the nitrogenous bases and deoxyribose sugar of DNA molecule yani ki ye agar ribose sugar ho gayi aur ek nitrogenous base उसके बीच बीच का जो hydrogen उसके बीच की जो bonding है वो क्या होगी what will the bonding between the nitrogenous base एंड शुगर तो अगर ये नाइट्रोजेनस बेस है और ये एक शुगर है तो इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सो द आंसर विल बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देन डी एन ए इज बाउंड टू विच बायो मोलिक्यूल टू फॉर्म अ क्रोमेटिन डीएनए को अगर हम रैप करते हैं किसी मोलिक्यूल के साथ में और वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बायोमोलिक्यूल क्या है दैट बायोमोलिक्यूल विल बी स्टोन प्रोटीन या वी कैन से ओनली प्रोटीन देन विच कार्बन एटम इज़ बाउंड टू एन नाइन ऑफ प्योरीन प्योरीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्योरीन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं इट हैज़ अट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल नाइन्थ पोजिशन जो है एन नाइन्थ पोजिशन एन नाइन्थ पोजिशन की लिंक link, लिंकेज जो है वो कार्बन ऐटम जो है किसका राइबो शुगर का किस कार्बन के साथ में होती है सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस स्ट्रक्चर हमने राइबो शुगर के देखे हुए हैं तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है वो कार्बन कौन सा है फर्स्ट कार्बन वन प्राइम वन प्राइम पोजीशन और प्योरीन की नाइन्थ पोजीशन जो है इनके बीच में जो है बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज नोन एज ए एन ग्लाइकोसाइडिक बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ओके सो द कार्बन विल बी द वन प्राइम पोजीशन देन द डायमीटर ऑफ बी डी एन ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इज अप्रॉक्स ट्वेंटी एम द बायोलॉजिकल डीएनए दैट कूड बी डिफर इन ए सी एंड जेड टाइप ऑफ डी एन एके तो दीज वार सम द क्वेश्चन जो आपसे वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ठीक है और अगर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बी टाइप ऑफ डी एन एके अलोंग विथ अ

वीडियो में हम डीएनए uh, स्ट्रक्चर uh, के बाद में हम द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे डीएनए एन जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे